महा कार्टून टीवी। एक बार की बात है, सीतापुर गांव में किशन नाम का एक किसान अपने माता पिता के साथ रहता था। किशन के माता पिता उसकी शादी कराना चाहते थे, इसीलिए उन्हें एक लड़की की तलाश थी। अब मेरी उम्र हो चली है, घर का काम अब अकेले कर पाना मेरे लिए बड़ा ही मुश्किल हो रहा है। अब मुझे लगता है कि हमें किशन की शादी करा देनी चाहिए। अरे बेटा आ जाओ, खाना ठंडा हो जाएगा। किशन के माता पिता ने उसे शादी करने के लिए कहा। ये सुनकर किशन थोड़ा उलझन में पड़ गया, क्योंकि वो शादी नहीं करना चाहता था, लेकिन अपनी माँ की सेहत को देखकर उसने शादी के लिए हाँ कह दिया। माँ, मैं खेत में फसलें देखने जा रहा हूँ। ठीक है बेटा, संभल कर जाना। अरे सुनो बेटा, आते समय मेरे लिए वैद्य जी की बताई हुई औषधि ले आना। ठीक है बाबा, ले आऊंगा। किशन घर से खेत में फसलें देखने के लिए निकल गया। उसे वहां शाम हो गई। तभी आते समय उसे याद आया कि उसे उसके पिता के लिए औषधि लेकर जानी थी, लेकिन रात हो चुकी थी तो उसने जंगल में जाकर औषधि लाने की सोची। जंगल के रास्ते में एक चुड़ैल की नजर किशन पर पड़ी, जिसे देखकर वो तुरंत मोहित हो गई, जिसके बाद चुड़ैल एक सुंदर लड़की का रूप लेकर किशन के पास गई। क्या आप यहाँ से निकलने में मेरी मदद करेंगे? मैं यहाँ पर गुम हो गई हूँ। लेकिन आप यहाँ कैसे आईं? और आप तो हमारे गांव की भी नहीं लगती, तो कौन हैं आप? मेरा नाम मीना है, मैं रामपुर से आई हूँ। मेरे बाबा की अचानक मृत्यु के बाद मेरे गांव में एक बूढ़े जमींदार ने मुझसे जबरदस्ती शादी करने की कोशिश की, इसीलिए मैं वहां से भाग निकली। आप परेशान मत हो, मैं आपकी मदद करूंगा। किशन मीना को अपने साथ अपने घर ले गया। ये कौन है किशन? किशन के माता पिता मीना को देखकर अचंभित हो गए। फिर किशन ने उन्हें सारी बात बताई, जिसके बाद मीना की लाचारी देखकर उन्होंने उसे अपने घर में ही रख लिया। मीना घर का सारा काम खुद ही कर लेती थी, जिससे किशन की माँ बहुत खुश थी। फिर एक दिन किशन की माँ को कुछ ख्याल आया। मैं सोच रही हूँ कि किशन और मीना की शादी करा दे। लड़की तो अच्छी है, एक बार बच्चों से बात कर लेते हैं। किशन के माता पिता ने किशन और मीना से शादी की बात की, जिसे सुनकर चुड़ैल बहुत खुश हो गई और उसने शादी के लिए हाँ भी कह दिया। वहीं किशन ने भी मीना की असलियत से अनजान होकर उसकी सुंदरता देखकर उससे शादी के लिए हाँ कह दिया, और जल्द ही दोनों की शादी भी हो गई। मैं जो चाहती थी वो तो हो गया, अब मैं हमेशा यही रहूंगी। सब लोग बहुत खुश थे और सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन एक दिन अमावस की रात मीना का रूप अपने आप चुड़ैल में बदल गया, और वो चुड़ैल के रूप में आ गई, जिसे किशन ने देख लिया। मीना को चुड़ैल बनता देख किशन काफी डर गया और उसने चुड़ैल से पूछा, तुम कौन हो और मेरी पत्नी मीना कहाँ है? मैं ही तुम्हारी पत्नी हूँ। चुड़ैल ने किशन को सारी बातें बताई, लेकिन किशन को उस पर यकीन नहीं हुआ और उसने सीधा जाकर अपने माता पिता को मीना की सच्चाई बता दी, जिसे सुनकर वो सीधा एक तांत्रिक के पास गए। हमारी मदद कीजिए तांत्रिक जी। क्या परेशानी है आपको? हमारे बेटे की शादी गलती से एक चुड़ैल से हो गई है। हमें अभी ही पता चला है कि वो लड़की नहीं बल्कि एक चुड़ैल है। आप ही बताइए अब मैं क्या करूं? आप सब डरो मत, बस जैसा मैं कहूं वैसा ही करना। क्या करना होगा हमें? तुम्हें उस चुड़ैल की चोटी काटकर जलानी होगी, लेकिन ये करते वक्त तुम्हें संभल कर रहना होगा। अगर उसे जरा भी शक हुआ तो वो तुम्हें अपनी चोटी कभी नहीं काटने देगी। किशन और उसके माता पिता
घर आकर मीना के साथ सब कुछ सही होने का नाटक करने लगे। और इसी बीच किशन ने मौका देखकर चुड़ैल की चोटी काट दी। चोटी काटते ही मीना एक सुंदर लड़की के रूप में आ गई। आपने मुझे काली जादू से मुक्त कर दिया। अब मैं फिर से इंसानी रूप में आ गई। काला जादू? क्या तुम एक चुड़ैल नहीं हो? नहीं, मुझ पर एक तांत्रिक ने काला जादू कर दिया था, जिस वजह से मैं एक चुड़ैल बन गई थी। चलो अच्छा है, जो हुआ अच्छा हुआ। और उस दिन के बाद से मीना और किशन अपने माता पिता के साथ खुशी खुशी रहने लगे। हेलो दोस्तों, हमें कमेंट्स करके बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। इस कहानी को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। बाय। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हों तो इन्हें लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और हमारे कार्टून शो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।